कंबस्टन। कंबस्टन की मीनिंग क्या होती है? कंबस्टन हमारे पास फ्यूल होना चाहिए। इफ वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल देन सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड सम रेजिड्यू गैसेस। रेजिड्यू गैसेस लेफ्ट आउट टू द सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक। Here, the mixture, this mixture is very important, क्योंकि इसमें फ्यूल है ऑक्सीजन। आपको फ्यूल को कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई करना है? आपने आपके पास फ्यूल बहुत ज्यादा, आपने बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई किया, मिक्सचर बहुत रिच हो जाएगा, तब भी कंबस्टन नहीं होगा। आपके पास फ्यूल बहुत कम है, बहुत लेस अमाउंट में फ्यूल है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तब भी कंबस्टन नहीं होगा। आप ऐसे समझिएगा, एक एलपीजी का सिलेंडर ओपन कर दीजिए एटमॉस्फेयर में और फिर आप कंबस्टन करा पाएंगे? कंबस्टन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत लीन मिक्सचर प्रिपेयर हो गया। एलपीजी पूरे सराउंडिंग में फैल गई। अब सराउंडिंग में तो एलपीजी है बट कंबस्टन नहीं होगा, क्योंकि ये मिक्सचर कंबस्टिबल मिक्सचर नहीं है। तो ये मिक्सचर होना चाहिए कैसा? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका कंबस्टन किया जा सके, इसकी एक रेंज होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे आपको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद। अभी थोड़ा बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। इस मिक्सचर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये कितने टाइम का होता है, इस पे हमारा डिपेंड करेगा कंबस्टन कैसे होता है। तो बेसिकली जब हम कंबस्टिबल मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं तो दो तरीके हैं हमारे पास कंबस्टिबल मिक्सचर को प्रिपेयर करने के, और भी मेथड्स हैं, लेकिन दो टू मेथड्स को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। पहला स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर का यूज करते हैं, और कार्बोरेटर का क्या काम होता है? कार्बोरेटर का काम होता है कंबस्टिबल मिक्सचर को प्रिपेयर करना एज पर रिक्वायरमेंट। जितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उतना थ्रॉटल ओपन होता है। अभी थ्रॉटल वगैरह के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी आप ये समझिएगा, कार्बोरेटर उतना फ्यूल सप्लाई करेगा जितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। और कार्बोरेटर फ्यूल की सप्लाई नहीं करता है, मैं आपको बता चुका हूं। कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करता है। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करने का काम कार्बोरेटर का होता है। तो कार्बोरेटर लीन मिक्सचर बनाएगा या कार्बोरेटर रिच मिक्सचर बनाएगा, इन इंजन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। उसकी आपने उसको कैसे यूज किया, उसकी इंजन की जरूरत उस समय पर्टिकुलर टाइम पे कैसी है, उसका लोड ज्यादा है कम है, आपने थ्रॉटल कितना ओपन किया है। तो कार्बोरेटर होमोजीनियस मिक्सचर को प्रिपेयर करता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? ऐसा मिक्सचर फ्यूल का और ऑक्सीजन का जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एंड फ्यूल के मॉलिक्यूल्स दोनों मोर और लेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थ्रू आउट सिक्स वॉल्यूम और थ्रू आउट सिक्स मास, वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है कार्बोरेटर के द्वारा, और कार्बोरेटर यूज होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? फ्यूल के मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपर हो जाता है और मोर और लेस यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म, अब इसको ऐसे समझिए, अगर हम आपसे बोले कि हमारा मिक्सचर 15:1 का है, मतलब 15 पार्टिकल एयर के एंड 1 पार्टिकल हमारा फ्यूल का है, 15 भाग एयर के हैं और 1 भाग फ्यूल का है, तो आप पूरे सिलेंडर में जहां पर भी आपका मिक्सचर है कंबस्टन चैम्बर में
कोई सा भी स्मॉल वॉल्यूम उठाएंगे और वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर की डेंसिटी को चेक करेंगे या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर के प्रोपोर्शन को चेक करेंगे, वो प्रोपोर्शन वैरी नहीं करेगा। ये आपके लिए कितना अच्छा, कितना स्मूथ कंबस्शन होगा, आप सोचिएगा। हर जगह एयर फ्यूल मिक्सचर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है पूरे सिलेंडर में, सिलेंडर मीन्स कंबस्शन चैम्बर। अब सीआई इंजन में, इसमें एसआई इंजन में स्पार्किंग के द्वारा कंबस्शन होता है, कंबस्शन को इनिशिएट करने के लिए स्पार्क प्लग का यूज करते हैं और प्रॉपर कंबस्शन इजीली हो जाता है। लेकिन सीआई इंजन के केस में क्या होता है, सीआई इंजन में हम जानते हैं कंप्रेशन इग्निशन होता है। और कंप्रेशन इग्निशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एयर को भेजते हैं, एयर कंबस्शन चैम्बर में जाकर कंप्रेस हो जाती है। जब एयर कंप्रेस हो गई उसके बाद फ्यूल फ्यूल की एंट्री कराते हैं नोजल में, और फ्यूल की एंट्री इस तरीके से कराते हैं कि फ्यूल के मॉलिक्यूल आपस में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्प्लाइसिंग की फॉर्म में हो जाए। इट मींस वो इतना प्रॉपर हो जाए, एक जेट की फॉर्म में एंट्री ना हो। जब हम एंट्री कराते हैं तो फ्यूल के पार्टिकल्स पूरी तरीके से बिखर जाएं और बिखरने के बाद प्रॉपर एयर में मिक्स हो जाए, और एयर का टेम्परेचर और प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ होता है। और जब फ्यूल की हम एंट्री कराते हैं तो अब फ्यूल उस टेम्परेचर और प्रेशर को धीरे धीरे, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और फ्यूल का भी, फ्यूल पार्टिकल का भी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। और एक समय आता है जब फ्यूल पार्टिकल का टेम्परेचर प्रेशर इतना हो जाता है कि वो उसको सेल्फ इग्निशन करा सके, और उस समय सेल्फ इग्निशन हो जाता है और कंबस्शन प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन इस केस में जो मिक्सचर हमारा प्रिपेयर होता है वो होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि बेटा आपने कंप्रेसर स्ट्रोक में एयर का ही कंप्रेशन किया था और सक्शन में ओनली एयर को सक किया था आपने, और कंप्रेशन के एंड में आपने फ्यूल की सप्लाई किया, स्प्रिंकलिंग के फॉर्म में आपने फ्यूल की सप्लाई किया। अब यहां पर मिक्सचर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा उतना प्रॉपर, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा जितना प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहां हो रहा था। कार्बोरेटर के पास सफिशियंट टाइम था, कार्बोरेटर इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन यहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, मतलब फ्यूल एंड एयर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है दोनों के, बेटा इसमें फ्यूल एंड एयर के पार्टिकल, मान लीजिए हम इस तरीके से आपका कंबस्शन चैम्बर दिखा, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन समझाने जा रहा है। यहां पर ये फ्यूल के पार्टिकल सपोज, और ये एयर के पार्टिकल, यहां पर एयर बेटा ज्यादा हो गई और यहां पर बेटा एयर बहुत कम हो गई, तो अब यहां पर एयर ज्यादा है और यहां पर एयर कम है। इट मीन्स यहां पर मान लीजिए फ्यूल पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो यहां पर इस नैरो जोन में, इस स्मॉल वॉल्यूम में मिक्सचर रिच हो गया और यहां पर मिक्सचर लीन हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इन कंबस्टर चैम्बर, यहां पर मॉलिक्यूल्स एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहां पर नहीं था। तो इसका बेनिफिट क्या है और इसके सबसे पहले बेनिफिट डिस्कस करते हैं, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि स्लाइटर लीन मिक्सचर
यहां से कंबस्टन स्टार्ट हो गया, सल्फ्यूरेशन हो गया, और सल्फ्यूरेशन के बाद फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट करके लीन मिक्सचर का भी कंबस्टन कर देगा। तो एक पॉइंट आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हेट्रोजीनियस कंबस्टन में अगर स्लाइटली लीनर मिक्सचर भी है तब भी कंबस्टन पॉसिबल है। और यहां पर कम इक्विवेलेंस रेशियो को बता देते हैं आपको। पहले इक्विवेलेंस रेशियो फाइव का होल, इक्विवेलेंस रेशियो फाइव इज इक्वल टू एक्चुअल एयर फ्लो रेशियो डिवाइडेड बाय केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो वन होता है। वन होने का मतलब हुआ एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो और केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो दोनों में इक्वल, तभी तो ये वन होगा, कैंसिल आउट होगा। और केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो भी हम समझा रहे, बच्चे भूल गए होंगे, इसका क्या मतलब हुआ? केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो मींस एयर इज जस्ट सफिशियंट फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एयर अमाउंट ऑफ एयर इज जस्ट सफिशियंट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड एक पॉइंट याद रखिएगा, कंप्लीट कंबस्टन मतलब जो आपके पास एयर है वो ना तो ज्यादा एयर है ना ही आपके पास कम एयर है, वो कंप्लीट कंबस्टन करा सकती है, बस उतनी ही एयर है आपके पास जो फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन करा सके। तो दोनों का रेशियो, तो इक्विवेलेंस रेशियो 5 इक्वल टू 1, इट मींस दोनों इक्वल। एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो जो है आपका वो स्टैंडर्ड या केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो के बराबर है, लेकिन आपका मिक्सचर सबसे बेस्ट फ्लेम प्रोपोगेशन कब मिलेगा आपका? जब मिक्सचर थोड़ा सा लीनर मिक्सचर हो तो 1.2 के आसपास अगर हम रखेंगे तो उससे हमको फ्लेम फ्रंट का प्रोपोगेशन बहुत अच्छा मिलेगा और कंबस्टन भी हमारा बहुत अच्छा होगा, टाइम बहुत कम लगेगा कंबस्टन होने में। तो ये इक्विवेलेंस रेशियो के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन में कंबस्टन कैसे होता है, कंबस्टन इन एसआई इंजन। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंबस्टन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में कंबस्टन कैसे होता है, स्पार्क इग्निशन में कंबस्टन कैसे होता है। स्पार्क इग्निशन में बेसिकली दो तरीके से कंबस्टन होता है, एक तो नॉर्मल कंबस्टन, दूसरा एबनॉर्मल कंबस्टन। अभी हम नॉर्मल कंबस्टन डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में एबनॉर्मल कंबस्टन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने एक डायग्राम शो किया है, इस डायग्राम को बोला जाता है, इस एक्सिस पर हमने प्रेशर को दिया और यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने क्रैंक एंगल को दिया। क्रैंक एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, ये क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल डिग्री में हमने लिया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्रेशर। तो फोर स्ट्रोक, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाया है, ये डायग्राम आइडियल फोर स्ट्रोक एसआई इंजन का है, मतलब ये ऐसा इंजन है जो आइडियल है। और हम जानते हैं आइडियल इंजन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये फोर स्ट्रोक है तो चार स्ट्रोक होंगे, पहला स्ट्रोक सक्शन, सक्शन में हम देखते हैं क्या करते हैं, सक्शन में चार्ज को सक करते हैं, उसके बाद कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब हम देखते हैं प्रेशर कैसे कैसे राइज करेगा पूरे प्रोसेस में, मतलब ट्राइंग एंगल के वेरिएशन पर प्रेशर में किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, किस तरीके से प्रेशर में वेरिएशन होगा। तो ये डायग्राम हमें बताएगा आइडियल केस में, इट मींस इन द केस ऑफ आइडियल इंजन How the pressure rise or fall becomes takes place, okay? Y axis पर हमने प्रेशर को लिया, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन
बीडीसी बॉटम डेड सेंटर से मूव करेगा टॉप डेड सेंटर की तरफ, और यहां पर देखिएगा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कंप्रेशन हुआ है, और यहां इस कंप्रेशन में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर राइज टेक्स प्लेस, बहुत कम अमाउंट में प्रेशर राइज होगा। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेज बी टू सी, यहां पर किसी भी तरीके के कोई ट्रायंगल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब अब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पर पहुंच चुका है और क्लियरेंस वॉल्यूम में भी कंबस्टन हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है असाइनमेंट में स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने के बाद पूरा का पूरा कंप्लीट प्रेशर राइज टेक्स प्लेस हियर पॉइंट बी टू पॉइंट सी, मतलब पूरा प्रेशर राइज बेटा इसी जोन में हो गया। ऐसा कहीं प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रेशर पिस्टन ऊपर पहुंच के रुक थोड़े ना जाएगा, तो प्रेशर राइज हो जाएगा पूरा, उसके बाद पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन तो लगातार मूव करता रहता है, लेकिन ये इंजन कैसा है? आइडियल केस है, इसी वजह से ये प्रेशराइज मैंने दिखाया है। उसके बाद पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, और ये एक्सपेंशन स्ट्रोक है, और इसमें प्रेशर फॉल हो जाएगा, प्रेशर गिर जाएगा। अब इसको ये तो आइडियल केस है, हम इसको एक्चुअल या प्रैक्टिकल फोर स्ट्रोक इंजन में कैसे समझेंगे, इससे प्रैक्टिकल इंजन में कंबस्टन कैसे डिफरेंट तरीके से होता है। अगर एसआई इंजन का कंबस्टन की बात करें तो प्रैक्टिकल इंजन का कंबस्टन मैंने यहां पर दिखाया, यहां भी मैंने इस एक्सिस पर प्रेशर लिया बार में, और यहां पर क्रैंक एंगल डिग्री में लिया। क्रैंक आप सब लोगों को बता चुके हैं, क्रैंक पी थीटा डायग्राम से पहले भी एक बार मैंने डिस्कस किया था, वाल्व टाइमिंग डायग्राम में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप अवेयर है कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रैंक का मूवमेंट कैसे होता है, पिस्टन की पोजीशन क्या होगी फोर स्ट्रोक के केस में, ये सब आपको पहले से पता है। चलिए यहां पर हम डिस्कस करते हैं, हमने स्टार्टिंग में बहुत कम प्रेशर होता है, आप समझ लीजिए सक्शन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जरा सा प्रेशर ऊपर होगा तभी तो सक्शन हो पाएगा, तो सक्शन हो गया आपका, सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक यहां से कंप्रेशन हुआ, स्मॉल अमाउंट में प्रेशर राइज हुआ, और कंप्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्रेशन कंप्लीट कब होगा? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा, और टॉप डेड सेंटर का मतलब जीरो डिग्री, जीरो डिग्री मतलब टीडीसी क्रैंक की पोजीशन, मतलब कनेक्टिंग रॉड आपकी इस तरीके से स्ट्रेट है, जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री का मतलब टॉप डेड सेंटर, आइडियल केस में टॉप डेड सेंटर पे स्पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पहले स्पार्किंग करानी पड़ती है, कंबस्टन के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए, एकदम से कंबस्टन तो होने जाएगा, इंस्टेंटेनियस कंबस्टन हो रहा है, कंबस्टन के लिए टाइम चाहिए, रिएक्शन होगी ना, केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो कंबस्टन हो पाएगा, तो कंबस्टन के लिए टाइम चाहिए हमको, तो हम थोड़ा सा पहले कंबस्टन स्पार्किंग करा देते हैं, और स्पार्किंग कराते हैं पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट ए कहां पर है? ये पॉइंट ए पर है अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री कहां है? बिफोर टीडीसी, टीडीसी यहां पे, और टीडीसी के पहले इट मींस पॉइंट ए इज लोकेटेड एट 20 डिग्री बिफोर टीडीसी। अब यहां कहोगे सर 20 डिग्री पे आपने लाइन नहीं खींची, थोड़ा सा आगे बढ़ के खींची, यस बेटा थोड़ा सा 20 डिग्री से और कम, 1-2 डिग्री वहां पे स्पार्किंग होती है, लेकिन आप 20 डिग्री बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो यहां पर स्पार्किंग हुई, और स्पार्किंग में कैसे स्पार्किंग होगी इसको समझते हैं, इधर समझते हैं, मान लीजिए ये कंबस्टन चल रहा है, और यहां पर कहीं स्पार्क प्लग लगा हुआ, यहां पर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब स्पार्किंग हुई, करंट ने जंप किया, और करंट जंप करेगी, एयर में रेजिस्टेंस है तो वहां पे स्पार्किंग होगी, तो इसके अंदर पूरा एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है कंबस्टन चैम्बर में, तो अब इसको इस एयर फ्यूल
अब यहाँ पे स्पार्किंग हुई, इसके आसपास का फ्यूल का कंबस्टन स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस जनरेट होता है, फ्लेम फ्रंट अभी नहीं, सबसे पहले न्यूक्लियस जनरेट होता है, न्यूक्लियस का मतलब एक पॉइंट जनरेट होता है, और फिर उसके बाद ये अगल बगल से हीट को लेगा, ये सॉरी ये हीट को रिलीज करेगा, कहां रिलीज करेगा, एडजेसेंट लेयर में हीट को रिलीज किया, और ये एडजेसेंट लेयर के फ्यूल के पार्टिकल का कंबस्शन हुआ, और फिर ये धीरे धीरे, और फिर ये अपने आगे वाले पार्टिकल फ्रेम फ्रंट में, मतलब एडजेसेंट लेयर में हीट को रिलीज करेगा, और एडजेसेंट लेयर फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और उसका कंबस्शन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी में बता देता हूं, पहला फ्लेम फ्रंट किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम फ्रंट, तो फ्लेम फ्रंट क्या, ए इमेजिनरी सरफेस व्हिच सेपरेट्स एयर फ्यूल मिक्सचर अनबर्न एयर फ्यूल मिक्सचर एंड बर्न आफ्टर बर्न, या जिनका कंबस्टन हो चुका है वो एयर फ्यूल मिक्सचर, तो दोनों को सेपरेट करता है ये इमेजिनरी सरफेस, इसी को फ्लेम फ्रंट बोलते हैं। इसको कैसे, फिर से एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए बेटा इधर से कंबस्टन हो चुका है एयर फ्यूल पार्टिकल का, और आगे के एयर फ्यूल पार्टिकल का कंबस्टन नहीं हुआ है, हालांकि एक्चुअल केस में चीजें थोड़ा सा अलग होती है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस वगैरह होगा, तो थोड़ा सा आपको उसको रिसर्च का टॉपिक है, यहां पर आप इसको ऐसे ही समझेंगे कि ये कंबस्टन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 0.002 सेकंड से 0.006 सेकंड के बीच में फ्लेम फ्रंट नॉर्मली प्रोपोगेट कर जाता है पूरे कंबस्टन चैम्बर में। तो यहां पर इस सरफेस की बात करें, इधर का कंबस्टन हो चुका है, इधर ये कंबस्टन नहीं हुआ है, दोनों को ये फ्रंट सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेम फ्रंट। अब फ्लेम फ्रंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, किधर मूव कर रहा है, इस पर नॉर्मल खींच लीजिए टैंजेंट, और इसके ऊपर नॉर्मल, ये डायरेक्शन हो जाएगी फ्लेम फ्रंट की डायरेक्शन, और फ्लेम फ्रंट के आगे बढ़ने को कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये फर्स्ट स्टेज है, और ये सबसे पहले किसने बताया था, इंडियन रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे सर रिकार्डो, उन्होंने तीन स्टेजेस बताई हैं कंबस्टन इन साइलेंट की। फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है इग्निशन लैग, इग्निशन लैग का मतलब, लैग का मतलब हमेशा होता है डिले, कंबस्टन कराने में जो डिले लगता है, प्रेपरेटरी फेज, कंबस्टन के लिए प्रेपरेशन में कुछ तो टाइम लगेगा, एकदम से कंबस्टन तो हो नहीं जाएगा, वो जो डिले पीरियड है, टाइम लग रहा है, वो इस ड्यूरेशन में टाइम लग रहा है। पॉइंट ए पर स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने के बाद न्यूक्लियस धीरे 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 फ्लेम फ्रंट में कन्वर्ट होगा, पॉइंट बी तक बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेशर राइज होगा, जब क्लियरली प्रेशर राइज डिटेक्ट कहां होगा, पॉइंट बी पर, और ये पॉइंट बी कहां है, 8 डिग्री बिफोर टीबीसी। तो स्टेज फर्स्ट हमारा कंप्लीट होती, स्टेज फर्स्ट किसके बीच में है, 20 डिग्री बिफोर टीडीसी से लेके 8 डिग्री बिफोर टीडीसी के बीच हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, कंबस्शन की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, और इसी स्टेज में प्रिपरेशन होगा कंबस्शन के लिए, और न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा फ्लेम फ्रंट में, और पॉइंट बी से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट बी ऐसा पॉइंट एट विच वी डिटेक्ट प्रेशर राइज, यहां पर एकदम से प्रेशर राइज होगा और फ्लेम फ्रंट यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, बहुत तेजी से प्रेशर राइज, आप देख रहे हो यहां पे कितना प्रेशर राइज है, अप्रोक्सीमेट 12 bar 15 bar के आसपास प्रेशर राइज है, प्रेशर है, जबकि यहां पे कितना प्रेशर राइज है, देखिएगा ये 10 है 20 है 30 है या 25 के आसपास प्रेशर, 25 बार के आसपास प्रेशर हो गया। तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये सेकेंड स्टेज है,
और इसमें फ्रेम फ्रंट बहुत तेजी से मूव क्यों कर रहा है इसको समझना जरूरी है। एक बार फ्रेम फ्रंट जनरेट हो गया, अगर जनरेट हो गया तो अब इसमें ये काफी तेजी से मूव करेगा आगे की तरफ, क्योंकि इसको मिक्सचर मिल रहा है, सफिशियंट अमाउंट में एयर फ्यूल मिक्सचर मिल रहा है और फिजिकल इंटरमिंगलिंग भी हो रही है फ्यूल की, फ्यूल और हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहां से, बर्न मिक्सचर से अनबर्न मिक्सचर की तरफ, और अनबर्न मिक्सचर सफिशियंट अमाउंट में मिल रहा है तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और इसमें हीट रिलीज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा सिलेंडर के बाहर, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो गया, क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा हमने सरफेस को कवर नहीं किया है अभी, लेकिन लास्ट स्टेज में पूरा सरफेस कवर हो जाएगा सिलेंडर का और उस समय हीट लॉस बढ़ेगा, तो यहाँ पर हीट लॉस भी उतना नहीं है। तो जो हीट जनरेट हो रही है फ्यूल के कंबस्टन के बाद वो हीट पूरी की लगभग लगभग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड बाय द एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर द कंबस्टन ऑफ, वो अपने कंबस्टन के लिए हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर ले रहा है, क्योंकि रिलीज सिलेंडर के बाहर अभी हीट नहीं रिलीज हो पा रही है क्योंकि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अभी इतना सरफेस एरिया देखो बेटा अगर हम बात करें तो इतना ही तो कवर हुआ है सरफेस एरिया, अगर फ्रेम फ्रंट हमारा यहां से यहां तक पहुंचा तो ये फ्रेम फ्रंट बहुत तेजी से प्रोपोगेट करेगा आगे की तरफ मूव करेगा, सारा का सारा प्रेशर राइज यही होगा और इसी बीच में पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे, देखिए टॉप पे पहुंचा, टॉप से नीचे उतर आया, टॉप से थोड़ा सा नीचे उतर आया 12 डिग्री पर, ये 12 डिग्री आफ्टर टीडीसी, टीडीसी आफ्टर टीडीसी 12 डिग्री और यहां पर स्टेज सेकंड कंप्लीट होती है और इसको बोला जाता है फ्लेम प्रोपोगेशन, फ्लेम प्रोपोगेशन का मतलब फ्लेम बहुत तेजी से मूव कर रही है। थर्ड स्टेज इसको बोला जाता है आफ्टर बर्निंग या आफ्टर कंबस्टन बोल सकते हैं। तो थर्ड स्टेज में ये फ्रेम फ्रंट लगभग लगभग सिलेंडर को कवर कर लेगा, जब सिलेंडर को कवर करेगा तो सिलेंडर के बाहर भी तो हीट का लॉस कराते हैं हम लोग, हीट का लॉस होता ही, कूलिंग कराते हैं ना इंजन की, कूलिंग तो नेसेसरी है इंजन की, तो कूलिंग हीट का लॉस एनवायरमेंट में हो जाएगा, मतलब फ्यूल से जो हीट रिलीज होगी एयर फ्यूल से के मिक्सचर से वो हीट पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी प्रेशर राइज कराने में और उसका कुछ पोर्शन या कहीं ज्यादातर पोर्शन हीट लॉस में चला जाएगा, इसी वजह से यहां पर प्रेशर गिरता है। और दूसरी बात उधर समझिए, उधर पिस्टन बीडीसी की तरफ मूव करेगा, पिस्टन बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर तो गिरेगा ही, तो ये हमने पूरा आपको प्रोसेस समझा दिया। अब ए पॉइंट पर हमने बताया स्पार्किंग होगी, बी पॉइंट पर क्लियरली प्रेशर राइज डिटेक्ट होगा, सी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर या पीक प्रेशर आपको मिलेगा और इसके बाद ये जब पिस्टन नीचे की तरफ बीडीसी की तरफ मूव करेगा तब प्रेशर फॉल होगा। तो ये पूरा कर्व मैंने आपको समझा दिया और इसमें एक एक कर्व देख रहे हैं मोटरिंग कर्व, कभी कभी मिसफायर हो जाता है, उस मिसफायर की फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई, कंबस्टन नहीं हो पाया, उस केस में प्रेशर राइज होगा ही नहीं, तो उस केस में हमको ये कर्व मिलेगा और ये कर्व हमारा मोटरिंग कर्व कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको प्रैक्टिकल फोर स्ट्रोक एसआई में कंबस्टन कैसे कैसे होगा ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सभी लोग। अब इसके बाद दो टॉपिक और इसमें छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेशन। तो सबसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था फ्लेम फ्रंट किसे कहते हैं, फ्लेम फ्रंट इसको ऐसे क्या कहता है, सपोज ये आपका कंबस्टन चैम्बर है, कंबस्टन चैम्बर में यहां पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये न्यूक्लियस जनरेट हुआ और इसके बाद ये न्यूक्लियस हीट को रिलीज करेगा और ये एडजेसेंट लेयर में कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगा,
और ये जो लेयर है सेपरेट करती है अनबर्न मिक्सचर, अनबर्न मिक्सचर को, और इधर आपका कंबस्टन के बाद वाला मिक्सचर है, इसको फ्लेम फ्रंट बोला जाता है। नेक्स्ट, अब इस लेक्चर में अभी इस समय हम आपको आपसे क्या डिस्कस करेंगे, डायग्राम के डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया टाइम ऑफ फ्लेम ट्रेवल इन परसेंटेज, मतलब फ्लेम को कंप्लीट कंबस्टन चैम्बर में ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगता है, ये मैंने यहाँ पे लिया परसेंटेज। और इस एक्सिस पर हमने लिया डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में हमने ग्राफ प्लॉट किया और मैंने देखा कि फ्लेम फ्रंट सिलेंडर के अंदर किस तरीके से मूव करता है, प्रोपोगेट करता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ऐसा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कोई एस के तरीके से ग्राफ आपका नजर आता है। ग्राफ ये कैसे आया और ये ही ग्राफ क्यों बना इसको हम समझते हैं। इसको हम तीन जोन में डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट जोन या एरिया फर्स्ट, यहां से यहां तक से एरिया सेकेंड, और ये एरिया थर्ड। यहां पर ये हमने एरिया फर्स्ट किया, एरिया फर्स्ट। फ्लेम प्रोपोगेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला है रिएक्शन रेट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब यहां पर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग हुई और कितनी तेजी से रिएक्शन चारों तरफ हो रहा है, जितनी तेजी से रिएक्शन होगा उतनी तेजी से फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ेगा। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, आपने इतना अच्छा टर्बुलेंस प्रोवाइड किया है और जितना अच्छा टर्बुलेंस प्रोवाइड किया है उतनी अच्छी मिक्सिंग फिजिकल इंटरमिंगलिंग होगी और उतना तेजी से फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट करेगा। तो रिएक्शन रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन रेट दोनों रिस्पॉन्सिबल है फ्लेम फ्रंट की प्रोपोगेशन के लिए, फ्लेम फ्रंट की कितनी स्पीड में मूव कर रहा है उसके लिए रिएक्शन रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन रेट। तो स्टार्टिंग में क्या होगा सोचिए, बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस जनरेट हुआ, जब न्यूक्लियस जनरेट होगा तो बेटा स्पार्क प्लग से ही तो के आसपास न्यूक्लियस जनरेट होगा, क्योंकि स्पार्क प्लग जहां पे लगा है वहीं पे स्पार्किंग होगी, लो टर्बुलेंस जोन है तो वहां पे पहली चीज टर्बुलेंस कम होगा। टर्बुलेंस कम होगा क्यों, चलिए अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कहां पे कैसे टर्बुलेंस देते हैं कंबस्टन चैम्बर के अंदर। आप इसको ऐसे समझिएगा, न्यूक्लियस है छोटा सा न्यूक्लियस है, स्मॉल वॉल्यूम है, तो उसमें टर्बुलेंस का फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, वहां पर फर्क पड़ेगा किसका फर्क पड़ेगा, रिएक्शन रेट का। और वहां पर टर्बुलेंस लो होने की वजह से फ्लेम फ्रंट बहुत तेजी से प्रोपोगेट नहीं करेगा, कैसे 10 मिनट ग्राफ। इस एक्सिस पर हमने टाइम लिया और ये डिस्टेंस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे देखिए बेटा, मैंने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया यहां पर, ये देखिए, और एक पोर्शन मैंने यहां पे लिया, ठीक। तो यहां पर देखिएगा बेटा, ये इतनी डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है, और यहां पर देखिएगा बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई और ये डिस्टेंस कम हो गई, मतलब स्टार्टिंग में टाइम जो लग रहा है फ्लेम फ्रंट के प्रोपोगेशन के लिए वो ज्यादा लग रहा है। देखो यहां पर डिस्टेंस लो, यहां पर बहुत ज्यादा किए देखिए, टाइम बहुत लगा और यहां डिस्टेंस बहुत कम कवर हुई, तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही। क्यों कम ट्रेवल होगी डिस्टेंस, क्योंकि अभी मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, फिजिकल इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, न्यूक्लियस है, फ्लेम फ्रंट प्रॉपर फ्लेम फ्रंट अभी उतना जनरेट नहीं हुआ है पूरे कंबस्टन चैम्बर में उसको फ्लेम फ्रंट कवर कर रहा हो, तो यहां पर लो ट्रांसपोर्टेशन रेट है, इसकी वजह से टाइम, देखिए टाइम ज्यादा लग रहा है, ये ग्राफ ही बताता है टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम कवर हो रही है, ये स्टेज फर्स्ट,
स्टेज सेकंड में देखिए बेटा, स्टेज सेकंड ये है, स्टेज सेकंड ये देखिए, स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में स्टार्टिंग में यहां से यहां तक तो बहुत टाइम लगा, इग्निशन लाए बहुत टाइम लग गया, जबकि डिस्टेंस कुछ भी नहीं कवर हुई। फिर थोड़ा सा देखिए यहां से यहां तक, फिर टाइम और ज्यादा लगा, थोड़ी सी डिस्टेंस कवर हुई, लेकिन बी पॉइंट से क्या हुआ बेटा, यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म कर रहे बी से सी तक, जिस हिसाब से टाइम लग रहा उसी हिसाब से डिस्टेंस कवर हो रही है। क्योंकि इस समय फ्लेम फ्रंट को प्रोपोगेट, फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट कर रहा है, हमने असाइनमेंट में कंबशन की सेकंड स्टेज बताई थी, वही सेम एक्सप्लेनेशन यहां पे है कि फ्लेम, हमने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया था इतनी तेजी से फ्लेम फ्रंट क्यों प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि यहां पर टर्बुलेंस भी है और जो हीट रिलीज हो रही है कंबस्टिबल मिक्सचर से, मतलब मिक्सचर का कंबस्टन हो रहा है, जो हीट रिलीज हो रही है वो तुरंत हीट पिकअप कर ली जा रही है नेक्स्ट लेयर से। इधर समझिएगा, ये मान लीजिए हीट रिलीज हुई है और ये इसने तुरंत हीट पिकअप कर ली, इसने हीट रिलीज की, इसके एडजेसेंट लेयर में तुरंत हीट पिकअप कर ली, तो जितनी हीट रिलीज हो रही है लगता है उतनी हीट पिकअप कर ली जा रही है, तो फ्लेम फ्रंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आपको बी से सी तक यूनिफॉर्म मिलेगा। अब सी से डी तक देखिए क्या है, लास्ट में पहुंच गया, ये सब क्वेश्चन हो चुका है यहां तक, अब लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में बहुत कम मिक्सचर बसता है जिसका कंबस्टन होना है, तो इधर देखिएगा ये थर्ड स्टेज, यहां पर ये देखिए टाइम आपका कितना ज्यादा टाइम लग रहा है और ये डिस्टेंस आप देखिएगा, ये बेटा देखिए कितनी कम डिस्टेंस कवर हो रही है, इतनी कम डिस्टेंस, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट में जितना एयर फ्यूल का मिक्सचर हीट को रिलीज करेगा उसका मैक्सिमम पोर्शन सिलेंडर की वॉल से रिलीज हो जाएगा लास्ट स्टेज में, और फ्यूल भी वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है जो हीट को रिलीज कर सके, इस वजह से फ्लेम फ्रंट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से कर मिलता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पड़ता। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, कोई भी स्टैंडर्ड आता है कुछ भी आप उठा लो, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्लेम स्पीड। फ्लेम स्पीड का मतलब हुआ, अभी मैंने आपको पढ़ाया था फ्लेम प्रोपोगेशन। फ्लेम प्रोपोगेशन मींस जो फ्लेम जनरेट हो रही है, फ्लेम फ्रंट इतनी तेजी से प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो फ्लेम फ्रंट पर इंजन वेरिएबल्स का क्या फर्क पड़ेगा। इंजन वेरिएबल्स मींस जैसे बेसिकली टर्बुलेंस एंड फ्यूल एयर रेशियो, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनका फर्क क्या पड़ेगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो टर्बुलेंस की बात है, तो जितना ज्यादा टर्बुलेंस हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए सपोज ये आपका कंबस्टन चैम्बर है, कंबस्टन चैम्बर में यहां पर स्पार्किंग है और ये फ्लेम फ्रंट जनरेट हो, तो टर्बुलेंस इंक्रीज करने की वजह से ये एडजेसेंट लेयर में ये फ्यूल के पार्टिकल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये अब ज्यादा एरिया कवर करेंगे, हीट ट्रांसफर के लिए इनको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो फिजिकल इंटरमिंगलिंग इंक्रीज करेगी, फिजिकल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन रेट इंक्रीज होगी। मैंने बताया था फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट करने के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, पहला ट्रांसपोर्टेशन रेट, दूसरा रिएक्शन रेट। तो यहां से क्या इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रेट, क्योंकि बर्न पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जाके वहां पर बर्निंग स्टार्ट कर रहा है, और ये देखिए एडजेसेंट लेयर में टर्बुलेंस की वजह से हीट ट्रांसफर ज्यादा बढ़ गया आपका, क्योंकि फिजिकल इंटरमिंगलिंग बढ़ गई और इस वजह से टर्बुलेंस बढ़ने की वजह से फ्लेम स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रेट इंक्रीज हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कितना टर्बुलेंस बढ़ा दें, इतना ज्यादा टर्बुलेंस भी मत बढ़ा दीजिएगा बेटा, एक्सेसिव टर्बुलेंस बढ़ा दोगे तो ऑपरेशन नॉइजी हो जाएगा और इंजन आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, स्मूथ वर्किंग नहीं होगी इंजन की। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस आपको नहीं बढ़ाना है,
लेकिन क्वेश्चन आएगा आपसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस थोड़े ना पूछेगा, आपसे पूछेगा टर्बुलेंस का क्या फर्क पड़ेगा। तो टर्बुलेंस को इंक्रीज करने पर फ्लेम स्पीड इंक्रीज होती है। ओके, टर्बुलेंस को इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेंगे? जितने तरीके से हम टर्बुलेंस को इंक्रीज कर पाए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो पहला मेथड क्या हो सकता है, जहां जब हम सक्शन करते हैं तभी टर्बुलेंस को इंक्रीज कर दें, और तब नहीं कर पाए तो जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तब तक टर्बुलेंस को इंक्रीज कर दें। तो सक्शन करने में जो वॉल्व की डिजाइन इस तरीके से होती है कि वहां पर हमको मैक्सिमम टर्बुलेंस मिल सके, नैरो ओपनिंग होती है, तो जब नैरो ओपनिंग होगी तो हमको पता है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर रिड्यूस होगा। नोजल में भी पड़ चुके हैं तो नैरो ओपनिंग की वजह से टर्बुलेंस इंक्रीज करते हैं, जहां जहां पे भी हम नैरो ओपनिंग दे सकते हैं, जैसे कि वॉल्व ओपनिंग है उसको नैरो कर देंगे। उसके बाद ये तो सक्शन में टर्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन में कैसे टर्बुलेंस दे सकते हैं, कंबस्टन चैम्बर के डिजाइन को इंप्रूव करके। जैसे पिस्टन क्राउन, पिस्टन के ऊपर हेड पे एक क्राउन बना देते हैं, हमने देखा है वो क्राउन का क्या काम होता है, टर्बुलेंस को इंक्रीज कर देना, टर्बुलेंस को बढ़ा देना। दूसरा सिलेंडर हेड की इस तरीके से ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री सिलेंडर हेड की इस तरीके की ज्योमेट्री रखते हैं जो कि टर्बुलेंस को बढ़ा सके, क्योंकि फ्लेम स्पीड जितनी तेज होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, इग्निशन लैग कम होगा, उतना ही कम टाइम लगेगा। तो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है, फ्लेम स्पीड को इंक्रीज करना, और उसको इंक्रीज हम कैसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहला तरीका टर्बुलेंस को बढ़ा के, सेकंड है एयर फ्यूल रेशियो का क्या फर्क पड़ता है फ्लेम स्पीड पे। ये देखिए इधर हमने ले लिया टाइम इन सेकंड, और इस एक्सिस पर हमने लिया इक्विवेलेंस रेशियो। इक्विवेलेंस रेशियो का मतलब हम बता चुके हैं आपको अभी थोड़ी देर पहले, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो आर केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो, मतलब एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो को डिवाइड कर दोगे केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो से तो आपको इक्विवेलेंस रेशियो मिल जाएगा। डीजल इंजन में मैंने बताया स्लाइटली लीन मिक्सचर का कंबस्टन हो सकता है, जबकि यहां पर हम तो अच्छी फ्लेम स्पीड चाहिए तो स्लाइटली रिच एयर फ्यूल मिक्सचर यूज करना पड़ेगा, समहाउ रिचर मिक्सचर। यहां देखिएगा यहां पर 100 है, 100 का मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर है केमिकली करेक्ट मिक्सचर, और यहां पर इसके थोड़ा सा जस्ट आगे पॉइंट ए है, यहां पर क्या है स्लाइटली रिच मिक्सचर। तो यहां पर इसकी वैल्यू 1.2 से 1.4 के बीच में यूज करते हैं जब हमको मिनिमम टाइम लगता है। मिनिमम टाइम का मतलब फ्लेम फ्रंट हमारा बहुत तेजी से प्रोपोगेट करेगा। लीन मिक्सचर यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, लीन मिक्सचर जब यूज करेंगे तो उतनी हीट नहीं रिलीज कर पाएगा। इधर देखिएगा लीन मिक्सचर में यूज किया लीन मिक्सचर ये कंबशन हुआ इसमें, तो ये इतनी हीट रिलीज नहीं कर पाएगा कि ये कंबशन करा था आगे, तो फ्लेम फ्रंट की स्पीड स्लो हो जाएगी। और बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर दे देंगे तो क्या होगा, रिच मिक्सचर दे दिया तो बहुत ज्यादा हीट नहीं रिलीज होगी, फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा। तो ज्यादा रिच मिक्सचर देंगे तब भी टाइम बढ़ेगा, ज्यादा लीन मिक्सचर देंगे तब भी टाइम बढ़ेगा, स्लाइटली रिच मिक्सचर देंगे तब हमारा फ्लेम फ्रंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मतलब उसको सिलेंडर को कवर करने में कम से कम समय लगेगा। नेक्स्ट इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, हम प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनलेट का जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा फ्लेम स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ने पर मिक्सचर होमोजीनियस प्रिपेयर होता जाएगा, और जितना अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर होगा उतना बढ़िया फ्लेम फ्रंट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर हमारा हो पाएगा उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इसकी एक रेंज होती है वो हम नॉकिंग में आपको बताएंगे कि क्या रेंज, इतना नहीं कितना भी अमाउंट का हमने प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो सब लोग पढ़ चुके हैं, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैं बता चुका हूं फ्लेम स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट है इंजन आउटपुट, इंजन आउटपुट बढ़ेगा, इंजन से आप ज्यादा आउटपुट लोगे तो
ज्यादा आउटपुट लोगे तो इंजन का लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा मतलब साइकिल का प्रेशर बढ़ेगा, और जब साइकिल का प्रेशर बढ़ता ना बेटा तो ट्रेन स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। तो इंजन का आउटपुट बढ़ने की वजह से ट्रेन स्पीड इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है इंजन स्पीड, जितनी ज्यादा इंजन की स्पीड बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा टर्बुलेंस बढ़ेगी, और टर्बुलेंस बढ़ने की वजह से ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम एबनॉर्मल कंबशन कवर करेंगे।